पुस्तक का नाम अतींद्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 18। सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रियों को विकसित करके संसार में घटित होने वाले घटनाक्रम को जाना जा सकता है। कारण शरीर का संबंध चेतना जगत से है। लोगों की मनस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली अदृश्य ध्वनियाँ जिनकी समझ में आने लगे वह मानव प्राणी की, पशु पक्षियों की और जीव जंतुओं की मनस्थिति का परिचय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार बिना उच्चारण के एक मन से दूसरे मन का परिचय आदान प्रदान होता रह सकता है। विचार संचालन विद्या के ज्ञाता जानते हैं कि मनस्थिति के अनुसार भावनाओं के उतार चढ़ाव में एक विचित्र प्रकार की ध्वनि निस्सृत होती है और उसे सुनने की सामर्थ्य होने पर मौन रहकर ही दूसरों की बात अंतःकरण के पर्दे पर उतरती हुई अनुभव की जा सकती है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। कारण शरीर की कर्णेंद्रिय साधना देवी संकेतों को समझने, ईश्वर के साथ वार्तालाप और भावनात्मक आदान प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। साधनात्मक पुरुषार्थ करते हुए अपने इन दिव्य संस्थानों को विकसित करना, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना, यही तो योग साधना का, आत्म साधना का उद्देश्य है। विचार शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति। दुनिया को जैसा कुछ हम देखते हैं वस्तुतः वह वैसी नहीं है, उसमें संदेह की पूरी पूरी गुंजाइश है। यदि हमारी आँखों की वर्तमान क्षमता में थोड़ा सा अंतर होता और वे इंफ्रारेड किरणों को देख पाती तो दुनिया इससे बिल्कुल भिन्न प्रकार की दिखती, जैसी कि अब हमें दिख पड़ती है। प्राणी जगत के विभिन्न प्राणी अपनी इंद्रिय शक्ति के सहारे अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों और प्राणियों के बारे में मत निर्धारित करते हैं। यह अनुभूतियाँ एक से दूसरे को इस प्रकार होती हैं जिसमें परस्पर तनिक भी समानता नहीं होती। दीमक के लिए तीतर साक्षात यमराज है, पर वाच के लिए वह चलते फिरते स्वादिष्ट भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऊँट नीम की पत्तियों को स्वादपूर्वक खाता है किंतु हमें वे कड़ुई लगती हैं। रासायनिक विश्लेषण से नीम का सार तत्व एक ऐसा रसायन है जिसे विभिन्न प्राणियों की जिह्वा विभिन्न प्रकार के स्वादों में अनुभव करेगी। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की संरचना के आधार पर वस्तुओं की तथा प्राणियों की उपस्थिति की चित्र विचित्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें मस्तिष्क की बनावट और प्राणी की वंश परंपरागत संचित अनुभूतियाँ भी बहुत बड़ा कारण है। विज्ञानी रेनाल्ड के अनुसार यह दृश्य संसार परमाणुओं की धूलि का उड़ता हुआ अंधड़ मात्र है। कणों के इकट्ठे होने और बिखरने से विभिन्न पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्राणी किस वस्तु को किस रूप में समझे और उनसे क्या अनुभूति उपलब्ध करे यह पदार्थ के ऊपर नहीं जीवधारियों की अपनी संरचना पर निर्भर है। संसार का असली रूप और प्रभाव क्या है यह जानना असंभव है, क्योंकि हमारी जानकारी जिन इंद्रियों पर निर्भर है वे स्वयं ही एक विशिष्ट प्रकार की हैं और जैसी कुछ वे हैं उसका ज्ञान भी उसी आधार पर बनता है। आँखों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी प्रामाणिकता भी माननी पड़ती है। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद सही मानी जाती है, इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आंखें जो कुछ देखती हैं वह सही ही होता है। मृग मरीचिका इंद्रधनुष भूत प्रेत आदि आंखों से दिखने पर भी मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरों का दिखना आंखों का भ्रम है, वस्तुतः वे अचल होती हैं। जिस तेजी से फिल्म घूमती है उतनी तेजी आंखों के ज्ञान तंतु मस्तिष्क तक सही सूचना पहुंचा सकने में समर्थ नहीं होते, फलतः फिल्में चलती फिरती दिखने लगती हैं।
जब सामान्य घटनाक्रम के संबंध में यह बात है तो संसार की जीवन की वस्तुस्थिति समझने में तो आँखें और भी कम काम करती हैं। भगवान का आत्मा का दर्शन दिव्य चक्षुओं से ज्ञान नेत्रों से ही संभव है। चर्म चक्षुओं से चेतना तत्व को देख सकना तो दूर, भौतिक जगत में प्रत्यक्ष विद्यमान विद्युत प्रवाह, रेडियो विकिरण, श्रवणातीत ध्वनियाँ जैसे तथ्यों को भी नहीं देखा जा सकता। सामने प्रस्तुत कितनी ही वस्तुएं खुली आंखों से नहीं दिखती, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के सहारे ही उनका पता चलता है। टेलीस्कोप सामने के वे दृश्य दिखाता है जो आंखें नहीं देख पाती। ज्ञान प्राप्ति के माध्यमों में सुनना और देखना अति महत्वपूर्ण है। मस्तिष्कीय विकास में इन्हीं दो माध्यमों की भूमिका प्रधान है। स्वाध्याय में आँखें और सत्संग में कान ही मस्तिष्क तक ज्ञान का प्रभाव पहुँचाते और उसे सुसंपन्न बनाते हैं। यों अन्य माध्यमों से भी कई तरह की उपयोगी जानकारियाँ मिलती हैं, पर प्रधानता इन दो की ही है। भगवान ने 10 इंद्रियाँ मनुष्य को दी हैं, पर ज्ञान भंडार को भरने में आँख और कान का योगदान जितना काम करता है उतना अन्य सब ज्ञान उपार्जन साधन मिलकर भी नहीं कर पाती। यह तो उस अनुभूति की चर्चा हुई जो इंद्रियगम्य है, लेकिन इससे भी परे बहुत कुछ है जो इंद्रियातीत है। विचार तरंगों के क्रियाकलापों को इस श्रेणी में लिया जा सकता है। ये इतने विलक्षण और चमत्कारी होते हैं कि सहसा प्रत्यक्षवाद का पक्षधर विज्ञान उनका विश्वास नहीं कर पाता, किंतु अतिंद्रिय बोध पर आधारित ऐसी अनेकों घटनाएं अब इस विधा को विज्ञान की परिधि में प्रतिष्ठा दिला चुकी हैं। अप्रत्यक्ष होते हुए भी विचारों की सामर्थ्य और प्रभाव प्रत्यक्ष अन्य शक्तियों से कहीं अधिक है। जीवन से उनका घनिष्ठ संबंध है। विकास और पतन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। परामनोवैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक विज्ञान की चुंबकीय तरंगों से विचार तरंगों की गति एवं शक्ति असंख्य गुनी है। जिस विज्ञान के अंतर्गत विचार तरंगों का स्वरूप और प्रभाव ज्ञात होता है उसे योग दर्शन में विचार वैगिकी कहते हैं। तत्वदर्शियों का मत है कि संसार में शुभ और अशुभ विचार तरंगों का निरंतर प्रसारण होता है, जिनमें विविध गुण विकार मिश्रित होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश तरंगों में तीव्रता, तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति होती है, उसी प्रकार विविध प्रकार की विचार तरंगों में विविध प्रकार की तीव्रता, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति होती है। वे सूक्ष्म अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं और चैतन्य संसार को प्रभावित करती हैं। विचार तरंगों का आदान प्रदान अथवा प्रसारण जिस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है उसे मनोवेत्ता टेलीपैथी कहते हैं। इस प्रक्रिया में बिना इंद्रियों का सहारा लिए विचार तरंगों को एक मन से दूसरे मन तक प्रेषित किया जाता है। इस क्रिया में देशकाल संबंधी भौतिक सीमाएं आड़े नहीं आ पातीं। टेलीपैथी के सफल संप्रेषण में मन की एकाग्रता का असाधारण महत्व है। उस एकाग्रता का संपादन ध्यान के विविध आध्यात्मिक प्रयोगों में अधिक सफलता से होता है। प्रायः भौतिक उपचार इस उपलब्धि में अधिक सफल नहीं हो पाते, कारण कि जिस गहरे स्तर की एकाग्रता विचार संप्रेषण के लिए चाहिए वह भौतिक प्रयत्नों से नहीं बन पाती। शरीर और बुद्धि से परे जाकर मन की विचार तरंगों को प्राण शक्ति के माध्यम से घनीभूत कर पाना ध्यान साधना के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आणविक जीव विज्ञानी जेवी सामोनाट नामक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, चांस एंड नेसेसिटी। उसमें उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया है कि मेटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी बायोस्फीयर की स्ट्रेटोस्फीयर जैसी परतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्म परत भी मौजूद है। इस परत का उन्होंने नाम आइडियोस्फीयर रखा है। उसका मत है कि आइडियोस्फीयर में वैचारिक संपदा का वह भंडार छिपा पड़ा है जो
सृष्टि से लेकर अब तक मानव मस्तिष्क द्वारा आविष्कृत हुआ है। वह अपनी समर्थता के कारण समय समय पर मानव जाति के उत्थान पतन का आधार बना है। वे लिखते हैं, सशक्त विचार कभी भी समाप्त नहीं होते, अचेतन ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जीवधारियों की इस विचार की अपनी वंश परंपरा में ही यथावत न बने रहकर विकास के लिए सतत आतुर रहते हैं। समधर्मी विचार आपस में मिलते हैं, अनुकूल का चुनाव करते हैं और घनीभूत होते रहते हैं।